भजनपुरा गोलीकांड आपको याद होगा, इसमें पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ये पुलिस ने पता लगाया है कि रोडरेज में तंग गली में बाइक निकालने को लेकर झगड़ा हुआ था और अमेज़न के मैनेजर को गोली मार दी गई थी। उसके मामा को पास से सिर में गोली मारी गई और गोली मारने वाले समीर उर्फ माया को अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। माया सोशल मीडिया में खुद को डॉन बताता रहा है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल में नाम के साथ माया ने 302 लिखा है। प्रोफाइल में लिखा है, नाम बदनाम, पता कब्रिस्तान, उम्र जीने की और शौक मरने का। आरोपी माया सोशल मीडिया पर खुद को डॉन बताते हुए कई तस्वीरें डाल चुका है जिसमें वो हथियार लहराते हुए देखा जा सकता है। दिल्ली के भजनपुरा हत्याकांड में मंगलवार रात को अमेज़न के मैनेजर हरप्रीत गिल और उनके मामा को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि तंग गली में उसने सामने आ रहे बाइक सवार को जगह देने की बात की। इस गोलीकांड में हरप्रीत गिल की मौत हो गई। चार पांच लड़के थे और दो टू व्हीलर पे थे जिसमें एक स्कूटी है, एक मोटरसाइकिल है। जो विक्टिम थे ये एक मोटरसाइकिल पे थे और इनकी कुछ कहा सुनी हुई है, पर अपेरेंटली ऐसा हुआ चंद मिनटों में जो भी हुआ कि फायरिंग हुई और जो हरप्रीत साहब है उनके सिर पे पीछे की तरफ से पॉइंट ब्लैंक फायर है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, रोड रेज का ये मामला है या पहले से लोग आपस में एक दूसरे को जानते थे, क्या निकल के आया तफ्तीश में? देखिए, पहले से किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं थी, ये बात पहले इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो गया था क्योंकि जो हरप्रीत के मामा थे जिन्हें सबसे पहले थप्पड़ मारी गई थी उन्हें भी सिर में गोली मारी गई थी, लेकिन गनीमत थी कि वो पीछे की तरफ लगी थी और वो बच गए थे, तो उनका स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड किया था। तो दो चीजें शुरुआत में ही खारिज हो गई थी, एक सबसे पहले रॉबरी कोई मोटिव नहीं था और दूसरी चीज कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पता लगा जो वो गली है वो इतनी सकरी गली है, गली नंबर 8 जहां पे इस वारदात को अंजाम दिया गया कि वहां पर दो बाइक एक साथ पास नहीं कर सकती, अगर क्रॉस नहीं कर सकती एक दूसरे को, तो वहीं पर झगड़ा हुआ था कि पहले कौन जाएगा, ऐसा पुलिस का कहना है। इन्वेस्टिगेशन में ये चीज आई है। अभी हरप्रीत और गोविंद कुछ समझ पाते कि तभी जुनैद जो कि बाइक पर पीछे बैठा था वो उतरता है और उसने हरप्रीत के मामा को थप्पड़ मार दिया। उसके बाद हरप्रीत और हरप्रीत के मामा जब तक कुछ समझ पाए, अभी उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, आखिर ये लोग इतने गुस्से इतने एग्रेसिव क्यों हैं, तभी माया ने पिस्टल निकाली और गोली मार दी, दोनों को सिर में गोली मारी, यानी उसका इरादा क्लियर था सीधे मार देने का, कोई पहचान नहीं। हिमांशु, कोई ये जो पहले जिनकी गिरफ्तारी हुई है या ये अपने आप को जिस तरह माया गैंग का सदस्य बता रहा है, ये कौन सा गैंग है, कब से सक्रिय है, कैसे इनके पास ये बंदूक थे और क्या इनके ऊपर कोई पहले से भी केस दर्ज थे? देखिए बिल्कुल, ये एक तो केस दर्ज थे, माया जो है जो समीर उर्फ माया नाम का जो अपना गैंग उसने जो सोशल मीडिया अगर हम देखें उसका तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने अपना एक गैंग बच्चों का गैंग बना रखा था क्योंकि अभी कुछ एक दो महीने हुए हैं जब माया बालिग हुआ है। जो पहला पकड़ा गया उसे अभी वो तो 27 तारीख को, जो बिलाल पकड़ा गया वो अभी 27 अगस्त को 18 साल का हुआ है और 18 साल से होने से पहले ही अर्पिता इनके खिलाफ कत्ल और रॉबरी जैसी संगीन धाराओं में केस दर्ज था, लेकिन चूंकि ये नाबालिग थे इसलिए ये बरी हुए छूटे और बाहर थे। अभी ये 18 साल के हो चुके थे इसलिए क्योंकि अब इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है तो पुलिस ने तुरंत जो कार्रवाई है वो की है। दो गिरफ्तार हैं, तीन की तलाश जारी है। सबसे बड़ी चीज जो मेन आरोपी था जिसने गोली चलाई माया, उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया जबकि बिलाल को आधी रात को यही जो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसने गिरफ्तार किया। अब जुनैद और इसके अलावा दो और उनकी तलाश है पुलिस को, उनके लिए जगह जगह रेड किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जब ये नाबालिग थे इनके पास हथियार थे तो इस बात की भी जांच हो रही है कि क्या ये किसी गैंग से भी एसोसिएट थे कि नहीं।